दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए गई है, जहां वो पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से चल रही है और उसके 2 दिन समाप्त होने के बाद टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें केएल राहुल का अहम योगदान है और आने वाले तीसरे दिन में ऋषभ पंत भी बहुत बड़ा तूफान ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि केएल राहुल ने कैसे अपने तूफान से विपक्षी गेंदबाजों को धूल चटा दी। लेकिन उससे पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतरीन क्रिकेटर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत में दोनों ओपनर ने मिलकर 117 रन की शतकीय साझेदारी की। इसके बाद मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट अर्धशतक पूरा करके 60 रन पर लुंगी नागरी को गवा दिया और इसके तुरंत बाद चेतेश्वर पुजारा अपनी पहली ही गेंद पर लुंगी नागरी का शिकार हो गए। इसके बाद भारतीय टीम थोड़ा डगमगा गई, लेकिन विराट कोहली के 35 रन ने थोड़ी सी भारतीय पारी को संभाला, लेकिन उनका विकेट लुंगी नागरी के हाथों गिरने के बाद केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे का तूफान आया, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के लिए 74 रन की शानदार साझेदारी की, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 90 गेंदों पर 40 रन 5 चौकों की मदद से दिन के अंत तक नाबाद बनाए। तो वहीं केएल राहुल ने अपना 7वां शतक पूरा किया और राहुल ने दिन के अंत तक 240 गेंदों पर 122 रन 16 चौके और 1 छक्कों की मदद से बनाए। दोस्तों दूसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए ही नहीं उतरी, क्योंकि दूसरे दिन बारिश ने मैच को होने नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन केएल राहुल अपना दोहरा शतक पूरा कर सकते हैं तो वहीं अजिंक्य रहाणे अपना शतक पूरा कर सकते हैं और आने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने तेज तर्रार शॉट से अपना तूफान भी ला सकते हैं, क्योंकि ये ऋषभ पंत के अंदर वो काबिलियत है जो समय आने पर तेज पारी में खेल सकते हैं, क्योंकि इस समय एक दिन का खेल बर्बाद हो गया, जिस वजह से भारतीय टीम थोड़ा तेज बल्लेबाजी भी कर सकती है और इसी तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत बेहतरीन प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो इनकी जगह टीम में पक्की हो जाएगी, क्योंकि पहले टीम में रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करते थे लेकिन उनका प्रदर्शन कभी दिखाई देता था तो कभी नहीं, और ऐसे ही अजिंक्य रहाणे इस मैच में शतक बना लेते हैं तो इनकी टीम में जगह पक्की रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में इनकी जगह हनुमा विहारी ले सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अजिंक्य रहाणे को उपकप्तानी से हटा दिया है, जो साफ साफ संदेश दे रहा है कि आने वाले कुछ समय में अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर भी किया जा सकता है। तो वहीं केएल राहुल ने शानदार शतक जड़कर अपनी टीम में शानदार वापसी